नमस्कार, मैं रुनेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। एक बार फिर से बिहार पुलिस ने फिर से खाकी को शर्मसार किया है। इस बार भी बिहार पुलिस की बर्बरता का, बेरहमी का शिकार सेना का जवान हुआ है। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ही एक खबर बिहार से आई थी, जहां रक्सौल जिले में सेना के एक जवान पर पुलिस के जो सिपाही थे उन्होंने हमला किया था, मारा पीटा था, गाली गलौज की थी और उसे भरे बाजार घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गई थी। जिसके बाद आप सबको पता है कि पूरे देश ने इस चीज की आलोचना की थी और बिहार पुलिस को इस पूरी घटना के बाद शर्मसार होना पड़ा था। अब फिर से एक बार बिहार पुलिस, बिहार की खाकी बदनाम है। इस बार मामला नवादा का है, जहां पर एक सेना जवान को बाइक चेकिंग के नाम पर बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा गया। उसे इतनी बुरी तरह मारा गया कि उस सेना जवान की एक उंगली तोड़ दी गई, शरीर के कई हिस्सों में गहरे जख्म दिए गए। गलती सिर्फ इतनी थी कि जो पुलिस वाले चेकिंग के दौरान चेकिंग कर रहे थे, सेना जवान ने उन्हें सिर्फ इतना कह दिया कि वो खुद अपनी गाड़ी के, उनके जो बैग्स थे या गाड़ी की जो डिक्की थी उसकी चेकिंग जो कर रहे थे वो खुद कर लें, वो कुछ नहीं करेगा सेना जवान। बस इतनी सी बात थी कि पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और पुलिस वालों ने लाठी डंडों के साथ मिलकर के झुंड में, और झुंड में पता है आपको कौन आते हैं, उसी तरीके से हमला कर दिया। और ये कोई पहली या दूसरी घटना नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में ये लगातार ऐसा होता आ रहा है कि पुलिस, बिहार की जो पुलिस है वो लगातार पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रही है या पता नहीं किस बात की रंजिश मान रही है सेना के जवानों से, जो वो हर बार सेना के जवानों को निशाना बनाती है। आपको बता दें, जो सेना जवान इस घटना में घायल हुए हैं उनका नाम नंद कुमार है और वो मियां बीघा जगह है, वहां पर मियान बीघा जगह है, वहां के रहने वाले थे और वो छुट्टी पर घर आए हुए थे और वहीं पर जो राजगीर कैंटीन होती है, जहां पर शाहपुर जो है, जगह का नाम है नवादा में, वहां पर शाहपुर चौक के पास नहीं राजगीर जो कैंटीन है वहां से अपने परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सामान लेकर के आ रहे थे। इसी दौरान राजगीर चौक पर उन्हें पुलिस वालों ने रोका और कहा कि बाइक की चेकिंग कराइए। बाइक की चेकिंग कराने के नाम पर उन्होंने, सेना जवान ने पूरा इसका पुलिस वालों को पूरा समर्थन किया और उन्होंने अपना बैग खोल करके उन्हें दिखाया, अपनी गाड़ी की जो बाइक थी उसकी डिक्की खोल करके दिखाई। लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि बैग में रखे हुए एक एक सामान को निकाल करके दिखाओ कि तुम्हारे बैग में क्या है। सेना जवान ने इस पर कहा कि मैं बैग का एक एक सामान तो नहीं निकालूंगा, आप चाहें तो खुद एक एक सामान करके निकाल लीजिए और देख लीजिए मेरे बैग में क्या है। बस इतनी ही सी बात जो थी वो हुई। ये दर्ज है जो सेना जवान ने जो अपना बयान दिया है उसमें उसने ये बताया कि बस इतनी सी बात थी कि एक जो पुलिस का सिपाही था उसने अचानक से डंडों से हमला किया उनके ऊपर, चोट दी उन्हें गर्दन पर, पैर में, हाथ में, कई जगह उन्हें जख्म आए और उसके बाद कई सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए और उन्हें पीटने लगे। इस दौरान सेना जवान बुरी तरह घायल हो गया, उसकी एक उंगली टूट गई, जिसे फिर और इलाज के लिए आगे पावापुरी जो जगह है वहां पर इलाज के लिए उसे भेजा गया है। आप सोचिए, एक सेना जवान जो अपने घर ये सोच के आता है कि जब तक वो घर पर रहे तब तक घर वालों की जो जरूरतें हैं उसकी वो पूर्ति करता रहे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, क्योंकि कई सारे सेना जवान ऐसे होते हैं जिनके घर में ख्याल रखने वाला खुद वो अकलौता सेना का जवान होता है। तो सेना के जवान जब भी अपने घर छुट्टी पर आते हैं तो वो इस चीज की पूरी तरीके से इस चीज को सिक्योर करके जाते हैं कि आने वाले दिनों में जब वो कहीं ड्यूटी पर होंगे, कहीं किसी सरहद पर डटे होंगे, किसी और जगह पर जब तैनात होंगे, देश की सुरक्षा कर रहे होंगे, तो उनके पीछे किसी चीज की जरूरत की कमी, किसी चीज की कमी ना महसूस हो उनके घर वालों को। इसलिए वो घर गृहस्थी की सामान हो, घर की कई सारी जिम्मेदारियां हो, उन्हें उस वक्त में पूरा करते हैं जब वो छुट्टी पर घर आते हैं।
लेकिन जब कोई जवान छुट्टी पर घर आता है, कोई अपनी पत्नी को एग्जाम दिलाने जाता है, जैसा कि रक्सौल मामले में हुआ, तो वहां पर पुलिस वालों ने मारपीट की, गाली गलौच की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फर्जी केसेस में फंसा करके उन्हें जेल में डाल दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस पूरी घटना में जिस तरीके से बताया गया, कोई भी मुझे यह बता दे कि सेना जवान की क्या गलती थी। अगर पुलिस वाला कोई चेकिंग कर रहा है तो ये पुलिस वाले की जिम्मेदारी बनती है कि उसे अगर सामान चेक करना है तो वो खुद चेक करेगा। जिसकी चेकिंग हो रही है वो चेकिंग करने के लिए सामान और वो सब नहीं करेगा। पुलिस वाले को खुद सारा सामान की खुद तलाशी लेनी होगी। और इसमें सेना के जवान को कोई आपत्ति भी नहीं, बल्कि वो तो कह रहा था कि मेरे सामान की आप खुद एक एक करके जांच ले लीजिए, मैं एक भी चीज नहीं छूऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खाकी का जो खाकी का वो नशा होता है, जब वो सर पे चढ़ता है तो इंसान कुछ भी बन सकता है। ताकत का नशा इन पुलिस वालों को, बिहार पुलिस को बहुत ज्यादा हो गया है। कभी ये किसी पत्रकार को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, कभी ये किसी पत्रकार के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक करते हैं, कभी ये सेना जवान को इस तरीके से मारते पीटते हैं भरे बाजार में जैसे कि वो कोई बहुत दुर्दांत अपराधी हो, कभी ये किसी सेना जवान को सिर्फ इस बात पर मारने पीटने लगते हैं कि सेना जवान ने इनकी बात नहीं मानी, जो कि बिल्कुल नाजायज। ऐसी कई सारी आपराधिक घटनाएं बिहार पुलिस द्वारा बीते कुछ दिनों में की गई हैं, कई सारी। लेकिन वहीं यही बिहार पुलिस है जो भू माफियाओं के आगे, जो दारू माफियाओं के आगे, जो शिक्षा माफियाओं के आगे नतमस्तक हो जाती है। उन मामलों में बिहार पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। डंडा तो छोड़िए, ये माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ उनके सामने खड़े होकर उंगली तक नहीं उठाते, बल्कि कई जगहों पर तो यही पुलिस समर्थन करती है ऐसे अपराधियों का। चाहे वो दारू की तस्करी हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, इन सब की मदद कहीं ना कहीं इस प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा की जाती है। तभी बिहार में जो दारू माफिया है वो पनप रहे हैं, शिक्षा माफिया है वो पनप रहे हैं, भू माफिया है वो पनप रहे हैं, और धीरे धीरे बिहार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। जब किसी राज्य में किसी राज्य की पुलिस अपने ही सेना के जवानों का सम्मान नहीं कर पा रही है, नेताओं की चाटुकारिता करने में लगी हुई है, माफियाओं की चाटुकारिता करने में लगी हुई है, तो ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री, ऐसे राज्य के उपमंत्री को क्या कहना चाहिए? जब इनके हित की बात होगी तब ये तुरंत मीडिया में आकर के बयान देने लगेंगे। बिहार में अभी कुछ नेताओं के यहां रेड क्या पड़ गई तो सारे मीडिया में इन्होंने छाती पीटने लगे कि हमारे ऊपर, हमारे साथ प्रताड़ना की जा रही है, हमारे ऊपर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है सरकारों द्वारा। लेकिन इसी राज्य की पुलिस जब एक सेना के जवान को, जो कि कभी किसी की पार्टी देख करके, किसी की जाति देख करके, किसी का धर्म देख करके ये नहीं कहता कि मैं इस देश की सुरक्षा सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए करूंगा, अपनी जाति के लोगों के लिए करूंगा, अपने प्रदेश के लोगों के लिए करूंगा, वो पूरे देश की सुरक्षा करता है, उसके साथ इन्हीं के राज्य की पुलिस बर्बरता करती है और ये मौन रहते हैं, जैसे मानो इनके मुंह में दही जम गया, अभी भी ये मौन है। और अब मुझसे लिख कर ले लीजिए कि बिहार सरकार इस मामले में भी कुछ नहीं करेगी। जैसे पहले मामलों में बिहार पुलिस आती है और घुमा फिरा के किसी तरीके से सेना के जवान या उसी की पूरी गलती बता देती है, इस मामले में भी यही होगा। कानूनी दाव पेच में फंसाया जाएगा और उसके बाद फिर से पूरा आरोप जो है वो सेना जवान के ऊपर मढ़ दिया जाएगा और अपना पल्ला झाड़ लिया जाएगा इस पूरे मामले। सेना जवान की उंगली टूट चुकी है, उसके शरीर पर कई सारे जख्म हैं। अब वो सोचिए, जब वो उंगली टूटी हुई लेकर के अपनी ड्यूटी पर जाएगा, अपने जख्मों को लेकर के जब वो ड्यूटी पर जाएगा, तो किस मानसिकता के साथ वो, किस उसकी क्या मनोस्थिति होगी जब वो ड्यूटी करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन लेकर के वो जाएगा कि वो ड्यूटी करे? किसकी सुरक्षा कर रहा है वो? जो खुद उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जो पुलिस वाले गीदड़ की तरह झुंड में आकर
एक सेना के जवान पर लाठी डंडों से, निहत्थे सेना के जवान पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, और सेना जवान जो सामने से खड़ा हुआ है वो सिर्फ अपने बचाव में है, वो हमलावर नहीं है। ये भी आप देखिए, सेना जवान की यहां पर मैं ये कहूंगा कि उसने एक भी बार हमला करने की कोशिश नहीं की, जबकि उसके ऊपर लगातार जो पुलिस के जो ये सिपाही थे वो लगातार उसके ऊपर हमला कर रहे थे लाठी डंडों से। और ये दिखाता है कि एक सेना जवान कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, चाहे वो छुट्टी पर हो चाहे वो ड्यूटी पर हो। उसे पता था कि अगर उसने एक भी बार किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाया या कुछ भी ऐसा किया तो ये पूरा मामला जो है उसके खिलाफ पुलिस बना देगी। आप सोचिए, और इन्हीं पुलिस वालों को एक दिन के लिए बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो ये दोबारा कभी सेना के जवान पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इन्हीं पुलिस वालों को एक एनकाउंटर में कहीं भेज दिया जाए, एक छोटे से आतंकवादी के साथ एनकाउंटर में भेज दिया जाए, दो दो चार चार नहीं, एक सिंगल आतंकवादी के साथ एनकाउंटर में भेज दिया जाए तो ये दुम दबा करके भाग जाएंगे वहां से। और मैं ये सारे पुलिस वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो ऐसे कायर पुलिस वाले उनके लिए ये मैं कह रहा हूं, जो सत्ता की तलवे चाट करके ये दिखाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है, जबकि उनके नाक के नीचे से माफिया हर रोज अपराध कर रही है। और बिहार पुलिस की इस हरकत पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में बिहार तो बदनाम होगा ही, बिहार की पुलिस भी बदनाम होगी, बल्कि पूरे देश की बदनामी होगी कि उसी देश के सैनिक को उसी देश की पुलिस जो है, एक प्रदेश की पुलिस जो है वो पीट रही है। ये बदनामी होगी, पूरे देश में ये बदनामी होगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग हमें बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, ऐसे पुलिस वालों को कौन सी सजा देनी चाहिए, कानून के तहत क्या सजा इनके लिए होनी चाहिए, या कौन सा कानून ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि अंकुश लगे ऐसे पुलिस वालों पर। कई सारे ऐसे कानून हैं जहां पर सेना के जो जवान हैं उन पर लागू होते हैं, वैसे ही कई सारे कानून पुलिस वालों पर भी लागू होने चाहिए। जय हिंद जय भारत। बैग हमारा आगे टंगा हुआ था, बैग जब उसको दिए बोला खोलो, हम बोले खोल लो भाई, तो बोला नहीं तुम नहीं खोलेगा, बोले ठीक है खोल दिया। हम क्लच दबाए हुए थे, गाड़ी मेरा स्टार्ट था इस कारण से हम नहीं खोल रहे थे, तो बोला खोल के दो। वो भी गर्मा गर्मी में बोलने लगा, हम उसको बोले कि भाई हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोग को चेक करने से क्या मिलेगा, जिसको चेक करना है उसको तो कर नहीं पाओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।